प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले। सर्वधम सर्व मकर संक्रांति महोत्सव कल्पवास समुदाय के वरिष्ठ समाज सेवी के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रशियन सुल्तान सचिव भारतीय जनहित कल्याण समिति के तत्वाधान में शनिवार को संगम नगरी माघ मेले में आए हुए साधु संतों श्रद्धालु एवं संगम वासियों के स्वागत में हर्षोल्लास से मनाया। इस महोत्सव में लगभग 20 कुंटल खिचड़ी के प्रसाद तथा चाय पानी की व्यवस्था रही। मकर संक्रांति पे आप जो जमनी गंगा जमनी तहजीब का देती है, दोनों कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छे दोस्त थे तो अकबर इलाहाबादी का एक मकान था यहाँ पे, तो जब पाकिस्तान चले गए तो वो कस्तोड़ीन में चला गया और आज वहाँ पे यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज है। उस मकान का नाम था इशरत मंदिर, जैसे हम लोग अपने मकानों के नाम रखते हैं ना, लघु कुटी या श्याम वाटिका, इस तरह से उसका नाम था साधु संत आते इशरत मंदिर। तो जब इशरत मंदिर तो बहुत पुरानी है, आनंद भवन बाद में बना। तो जब पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज भवन से एक्सटेंशन आनंद भवन को बनवाया तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि इसका एक नाम रखा जाए। उन्होंने अपनी ख्वाहिश अपने दोस्त अकबर इलाहाबादी से जाहिर की, तो उन्होंने कहा क्या मुश्किल है। यहाँ पर विशाल भंडारा होता है, इशरत मंदिर यानी जो जहाँ आपको आनंद महसूस हो, अजीब सा अनुभव हो और आप यहाँ पर दुनिया में रहे हो, दुनिया में रहे हो, तो उन्होंने उसका नाम जो दिया आनंद भवन। ये उस दोस्ती की मिसाल है, इसी गंगा जमनी, इसी जहाँ पे आप बैठे हुए हैं यहाँ से गंगा जी बहती है। भारद्वाज आश्रम इस बात की गवाही है कि यहाँ से गंगा जी बहा करती है, तो आप उसी सरजमीन पे बैठे हैं जहाँ हमें ये कोशिश करनी चाहिए सभी को, ये स्मारक और हमारी आजादी की लड़ाई हम सब मिलकर के मिलन समारोह या होली मिलन समारोह नहीं, सर्वधर्म सद्भाव मकर संक्रांति महोत्सव है और यह हमारा सौभाग्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनाब के तो दो लाइनें अपनी कहूंगी यादव साहब, श्रीमती मां की जला तकरीबन हमारे जाऊंगी तो क्या सुबह नहीं तो 25-30 साल से आपके साथ हमारा परिचय आपका और हम लोग उसी तरह से न जाने कितने मौसम आए गए।